समझ गया, अगर आप आपको नंबर समझ गए। चले चलेगा। चले बेटा निकालो आप पेज नंबर 90। सर उर्दू में? जी जी उर्दू बुक है, ग्रामर नहीं, उर्दू बुक। आप निकालो 90 जगह पहले। नंबर 90 बोल रहा हूँ ना जिगर सर। 93 मैं बोल रहा हूँ, 90 निकालो पहले आप। उर्दू ग्रामर नहीं, उर्दू बुक निकालो। हाँ अहमद निकाला बेटा। यस सर। सर कौन सी बुक निकाल लिया? फिर आप पूछ रहे हो सर उर्दू ग्रामर। आपको कितनी बार बोला उर्दू बुक, उर्दू बुक पेज नंबर निकाला है 90। इतने टाइम में इंसान जाकर बाजार से किताब लाएगा बेटा, इतना टाइम लगा रहे हो। चले सालिक निकाला। यस सर। अहमद आपने निकाली बुक? यस सर। यस सर। चले देखो ऊपर लिखा है वहां खाली जगह पूर कीजिए, लिखा है ना? आप देख रहे हो खाली जगह पूर कीजिए। नीचे लिखा है महीने लिखे हैं, मंथ्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखा है। सर पेज नंबर क्या है? अल्लाह के प्यारे बंदे आप कितनी बार बोलूं मैं, आपका दिमाग कहाँ होता है। 90 नमत नमत कोई परेशान है नमत। निकाला मीसम, क्या नाम है? सुनाबाद निकाला। यस सर। चलो आप माइक करो बंद सारे बच्चे। सर मैंने लिखा है। माइक करो बंद। आप सुनो, आप गौर से सुनो, यहाँ लिखा है वन क्वेश्चन, खाली जगह पूर कीजिए। जनवरी के बाद डैश का महीना आता है, फरवरी के बाद डैश का महीना आता है, मार्च के बाद डैश का महीना आता है, अप्रैल के बाद डैश का महीना आता है, मई के बाद डैश का महीना आता है, जून के बाद डैश का महीना आता है। आपको खुद पता होना चाहिए कि किस महीने के बाद कौन सा महीना आता है। जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना आता है, नवंबर के बाद किसका महीना आता है?
दिसंबर वेरी गुड। दिसंबर के बाद सितंबर फिर से जनवरी। क्या हो गया आपको? दिसंबर के बाद सितंबर आता है, जनवरी। ये क्या बोल रहा है सारे? जनवरी जनवरी आता है, जनवरी आता है। आप गौर से सुनो बेटा जिगर, ये जो ऊपर लिखा है ना जनवरी के शुरू में, तो देखो आप खाली जगह पूर कीजिए। हमें जो फिल इन द ब्लैंक से हमें इसको भरना है। जनवरी के बाद डैश का महीना आता है, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है वो लिखो आप। मैं लिखाऊं आपको? आपको लिखना सर, हमने किया था ना ये, मैंने परसों करवाया था आपको, तीन दिन पहले चार दिन पहले करवाया था ना ये सर। अब हमें दो, अब हमने करना है 91। चलो जिगर 91 पर चलो। क्वेश्चन टू, इन महीने को, इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए। अब मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा आया है। ओके सनावर, अपना कैमरा ऑन करो। आयदा जान कैमरा ऑन करो। अयान जिसका कैमरा ऑफ होगा याद रखो वो एब्सेंट लगेगा। अदीबा, अदीबा के अच्छी है ना, अदीबा के अच्छी सच का मसूर डॉक्टर। अच्छा तीमस बदल से तो ही पर हाँ जी सर, उसके बदले में आप ही पढ़ रही हो और क्या करेगा। ये तो अच्छी बात है ना, डॉक्टर के पास उसको बाद में आप भेज सकते थे, उसका ये जाया हो जाएगा ना सबक। क्या जी सर? उसको आपने डॉक्टर के पास भेजा है, उसको बाद में भेजना था ना डॉक्टर के पास, किसके पास भेजना था, कहाँ भेजना था। आप उसका सबक जाया हो जाएगा ना, आज का क्लास जाया हुई ना उसकी। उसको दांत वो बाहर नहीं थी, थोड़ा सी दर्द है इसको। इसका मतलब है अब नया रूल निकालना पड़ेगा कि बच्चों के बदले में पेरेंट्स ही पढ़ेंगे। आप उसकी क्लास ले रहे हो सर है ना? क्या जी? ये अच्छी बात मत है, अगर बच्चों को पढ़ना है। मुझे पता है अच्छी बात नहीं है, फिर मेरे बोला मैं देखूंगी कौन सा क्लास है और कौन सा पढ़ाई करना है आपको बस। आपको मतलब ये समझना चाहिए कि एग्जाम भी आने वाला है। अब एक बच्चे का एक दिन का सबक जाया करना ये मुश्किल होता है, उसको एग्जाम के लिए मुश्किल होगा। हाँ कोई बात नहीं, आईना नहीं हो जाएगा क्लास। बात है ना, बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे नजदीक तो बात है। आप ऐसा अगर करेंगे सारे पेरेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, बच्चों को इधर उधर भेज देंगे, फिर तो फायदा क्या हुआ, फिर तो पहले पेरेंट्स को पढ़ना है। नहीं इसको, इसको दांत में दर्द है, वो गया बाहर डॉक्टर के पास, बाहर बाहर। चलो ठीक है, उसको बताना क्या पढ़ना। अपना कैमरा ऑफ कर दो। अपना कैमरा ऑफ कर दो आप। ओके सर, चलिए बेटा चलिए सुनिए सर। हाँ बताओ। तो आज
सर आपका वीडियो बंद है। मैं वीडियो खोलूंगा ना, आप खोलूंगा वीडियो। चलिए जिगर खोल गया। नो सर। यस सर खुल गया। सर खुल गया। यस सर। चलिए जिगर चलिए लिखो जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर टू, इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए। अगस्त, जुलाई, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, मार्च, मई, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, लोग को अलग अलग करके लिखिए। चलिए जैसे मैंने लिखा ये आपको दिखाया, लिखो आप। अहमद क्या कर रहे हो? लिखो जल्दी जल्दी, मैं अभी चेक करूंगा। ओके सर। तालिक लिखो, मैं अभी चेक करूंगा आपकी कॉपी बुक, अभी चेक करूंगा बुक वर्क हो रहा है। जिसने लिखा है वो दोबारा नजर दे कि मिस्टेक ना हो गई हो। ओके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुक वर्क करके आपको दिखा रहा हूँ। अहमद ने अभी आपको किया। अहमद ने अभी बुक आपकी चेक करूंगा सब बच्चों की। सर मैंने किया। चलो जिसने किया हो दोबारा नजर दे कि मिस्टेक ना हो गई हो तो उसको दुरुस्त करेगा। नो सर मुझे नहीं है मिस्टेक, मैंने किया। ओके आप खामोशी से बैठ जाओ। सर मुझे भी नहीं है मिस्टेक, मैंने किया सर। ओके सर मैंने लिखा, सर मैंने भी किया सर, मुझे भी नहीं मिस्टेक है। ओके जिगर, ओके जिगर डिसिप्लिन से बैठ जाओ। अगर आपने कर लिया डिसिप्लिन से बैठोगे, इधर उधर कोई हरकत नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे। चलो सबने किया है। चलिए आप पेज नंबर 92 पर चलो। किया आपने? यस सर ये भी हमने कराया है। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना? यस सर आपने पढ़ाया है। सर आपने लिखवाया आपको। सर आप चलिए 93 से। चलिए 93 से चलिए जिगर। चलिए 93 देखो बेटा, 1 से 100 तक गिनती। 1, 2 देखो बेटा, एक मिनट देखिए इसकी तरह देखिए, हमें इसको उर्दू में पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चले आगे, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
सर यस सर 55 51 52 53 54 55 56 किशोर कौन कर रहा है बात कौन कर रहा है
मैं अभी पूछूंगा इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, अभी पूछूंगा। 55, 56, 57 ये कौन कर रहा है बुक के साथ? बोला ना छेड़छाड़ मत करो, शोर मत करो। ये पेज कौन उल्टा रहा है? सर मैं करता हूँ। आप जो बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ आप बुक की तरफ देखो, पेज मत उल्टा हो। कहाँ पहुंचे मैं? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
यस सर सर वो ऐसे हो गए सर मैं पढ़ रहा हूँ ना ये वहाँ से हो रहा है सर ये बातें कौन सी सर कोई कर रहा है सर सर अदीबा 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 तेरा कहाँ अदीबा कहाँ है आज सर आई है इसको मैं निकालूंगा अभी क्लास से ये हमेशा क्लास में गड़बड़ करती है देखो क्या कर रही है अभी भी चले कहां पहुंचा 79 90 मीनस 90 51 ये उसके बाद जो है 90 के बाद 91 92 93 94 95 मीनस हो गया 95 96 97 97 98 98 99 99 100 तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है रीडिंग में जैसे मैंने आपको रीडिंग करवाया ऐसी आपकी रीडिंग होनी चाहिए अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा आपको रीडिंग करवा दूंगा अगर समझ नहीं आया है समझ आया आपको बोलो आपको समझ में आ गया तो घर में इसको उर्दू में जो लिखा है नीचे उर्दू में भी लिखा है अंग्रेजी में भी लिखा है अरबिक में भी लिखा है आपको तीनों में प्रैक्टिस करनी है अंग्रेजी में भी उर्दू में भी और अरबिक में भी ज्यादातर आपको कोशिश करनी है उर्दू में 31 32 33 34 35 36 ऐसे आपको इसकी रीडिंग करनी है कल मैं सुनूंगा किसी बच्चे को बोलूंगा इससे आगे पढ़ो आप उस बच्चे को पढ़ना है फिर मैं सुनूंगा नंबर वन नंबर टू जिगर जो आज तक मैंने आपको क्लासें दी हैं जो लेसन हमने पढ़े हैं फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है अभी आपको मैं बताता हूं खरगोश और नहीं कौन सा पढ़ा हमने इससे पहले बेटा हफ्तों के दिन कहां से हमारा टर्म कहां से स्टार्ट होता है सर गेंडा और खरगोश क्या हफ्ते के दिन गेंडा नहीं गेंडा नहीं बेटा वो यूनिट सॉम में है हमारा जो हफ्ते के दिन सेकंड जी बेटा असल में हमारा टर्म सेकंड जो है टर्म सेकंड वो हमारा हफ्ते के दिन से स्टार्ट होता है कहाँ से
हफ्ते के दिन से, हफ्ते के दिन से हमारा टर्म सेकंड स्टार्ट होता है, ये याद रखो बेटा, एक मिनट ऐसे रखो। ऐसे रखो जी घर, मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है बाद में उसको। हाँ चलिए जिगर, आपका जो सिलेबस है ना, सुनियो गौर से, मैं कल पूछूंगा मैं आपको सबको, आपका जो टर्म सेकंड में सिलेबस है वो है सबक नंबर 13 से लेकर 16 तक। 13 जो है सबक नंबर 13, यही हफ्ता, हफ्ते के दिन, यहाँ से हमारा टर्म सेकंड स्टार्ट होता है। और मैंने आपको टर्म सेकंड पढ़ाया, ये हफ्ता जो है हफ्ते के दिन ये आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? हाँ हफ्ता आपने पढ़ा है। अब हफ्ते का जो बेटा ये क्वेश्चन आंसर है वो इंशाल्लाह मैं आज आपको भेजूंगा, ठीक है जिगर, आज या कल। आप रेडी रहेंगे हफ्ते के दिन, हफ्ते के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको या कल भेजूंगा, ठीक है? हाँ चलिए, आप गौर से अटेंडेंस सुनिएगा बेटा। हेलो, हाँ बताइए क्या बात है। चलिए अटेंडेंस सुनिए बेटा, अटेंडेंस सुनिए, रोल नंबर 1, 2 एब्सेंट, 3, 4 एब्सेंट, एब्सेंट, 5 एब्सेंट, 7 आप क्यों बोल रहे हो हर किसी को, आप खुद एब्सेंट लग जाओगे बेटा। अगर आप प्रेजेंट हो आप अपनी बताओ, आप प्रेजेंट हो के नहीं, बस दूसरों की फिक्र मत करो बेटा। जो बच्चा बोलेगा नहीं वो खुद ही एब्सेंट लग जाएगा, आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं जिगर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, present, sir. 15 present, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, present, sir. 23, present, sir. 23, present, sir. ओके बेटा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ओके, 30 present. ओके बेटा, तेजु कामत कलास मजाद माशाल्लाह आयदा। 32, 31,
32 33 present sir 34 okay 35 Akil sir present sir 36 37 37 okay 37 चले बेटा आप बताओ नमाज किस किस ने पढ़ी अहमद मैंने अयान ने नमाज पढ़ी माशाल्लाह मैं रोज पढ़ता हूँ और मुझे अच्छी बच्ची अच्छे बच्चे की पहचान ये कि वो नमाज पढ़ता है अयान ने भी पढ़ी अहमद ने भी पढ़ी आयदा नमाज पढ़ी सुबह नमाज पढ़ी थी आयदा यस सर माशाल्लाह सालिक नमाज पढ़ी ओके सुनावर सुनावर अली सनावर अली सर क्या जी बोलो ना क्या क्या हुआ बेटा आपको कितनी बार समझाऊं सर मैंने नमाज पढ़ी अच्छी बात है आप मुझे एक बात बताओ सर क्या आपने हाथ में क्या बांधा हुआ धागा सर दीपा के घर से शोर आ रहा है सर सर मुझे नियाज का धागा है बेटा ये हिंदू का तरीका है ये अच्छी बात नहीं है सर मेरे सर दीपा के घर से शोर सर मुझे भी लगा मैं शिया हूँ है? सर मैं शिया हूँ कोई बात नहीं शिया है फिर भी अच्छी बात नहीं जिगर ये आप ये निकालो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं जिम्मेदार सर मेरे बाजू पे भी लगा के धागा जो जिस जिसने लगाया है वो आज से धागा निकाल देगा बेटा ये यहूदियों का तरीका है हिंदू का तरीका है सर मुझे ये है ना क्या बोलते हैं इसको दसगीर बोलते हैं ना कहीं पर है ना वो रैनावारी में है ना वो रैनावारी में है ना वो दसगीर सोबुन रैनावारी में है ना वो दसगीर सोबुन मैंने उसी ने मुझे ये दिया है आप ये निकालो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अल्लाह का नाम लेकर निकालो ये यहूदियों का तरीका है ये हिंदू का तरीका है मजहब है बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मैं जिम्मेदार हूँ पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमारे बुजुर्गों ने क्या ये इस्तेमाल किया कि नहीं सर जो हमने ये पढ़ा ना ये हफ्ते के दिन जी बेटा इसकी पीडीएफ आपने भेज दी है हफ्ते के दिन हाँ नहीं जिगर मैं आज भेजूंगा इंशाल्लाह इसकी पहले इसकी पीडीएफ नहीं है बेटा इसको ऐसे लर्न करना है कि पीडीएफ भेजा जाता है जो क्वेश्चन आंसर होता है ना इसको ऐसे प्रैक्टिस करनी है ठीक है जिगर यस तो ये बात जो ये दादा बांधने वगैरह बेटा ये क्या है एक मिनट ऐसे रखो हाँ ये जो हफ्ते का बोल रहे हैं आप हफ्ते के दिन यस सर हाँ जिगर मैंने नहीं भेजा आज भेजूंगा मैं इंशाल्लाह आपको ठीक है यस सर आज मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा और आप ऐसा करोगे इसको फेयर कॉपी पर लिखोगे अच्छी तरीके से यस सर चलिए मैं आप दोबारा सुनावर के पास चलता हूँ सुनावर साहब अपना माइक ऑन करो मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हूँ
आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। सर क्या क्या देखो मूड है खराब? सर नहीं, आपका मूड खराब हो गया? नो सर। आप अच्छे बच्चे हो बेटा, मैं आपको बताता हूँ एक बात, गौर से सुनिए जिगर, जो काम हमारे बड़ों ने नहीं किए ना वो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है ना? हमारे बड़े कौन है पता है आपको? हमारे सबसे बड़े हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद है हमारे अहले बैत हैं, और आप हिस्ट्री में देखेंगे किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि हमारे अहले बैत ने अपने लड़कों के हाथों में ये धागे बांधे हों। इमाम हुसैन ने नहीं बांधे, असगर अली ने नहीं बांधे, अकबर अली ने नहीं बांधे, ठीक है जी? बस खामोश, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ। सर क्या, तो जब हमारे बड़ों ने ये धागे नहीं बांधे तो हमें धागे बांधने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने जो काम किए वही काम हमें करने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप मुझे बताएं आपको आपके बाल देखो कैसे हैं बेटा? ये मुसलमानों के बाल नहीं है, आपके बाल छोटे होने चाहिए। आपने शायद ये कुछ कलर भी किया हुआ है, दिस वेरी बैड, ये अच्छी बात नहीं है, ये यहूदियों का तरीका है। आपके बाल अच्छे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। आज आप बाल कटाओगे, ये जो साइडों में आपके बाल हैं ऐसे ही आप लंबे वाले बालों को काटोगे और बराबर करोगे ये बाल। आप ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे किसी जंगल से उठकर आए हो। चलिए आज इतना ही, इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आज इतना ही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।